हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। तो एक बड़ा डिमांड ये था कि सर आईसी का जो एमसीक्यू बुकलेट है उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन कर लिया जाए, तो बिल्कुल रेडी है जी। आ जाइए आप और हम मिल करके पूरा आईसी का एमसीक्यू बुकलेट जो है, जिसमें हमारे पास में 100 करीब क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, और करीबन 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं, तो उन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं इसको बगैर टाइम गवाएं स्टार्ट। तो ये कहां से आप लोगों को मिल सकता है बच्चे लोगों? आईसीए का साइट पर जब भी आप जाएंगे तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का बुकलेट ऑन एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज आप लोगों को मिल जाएगा बराबर से। लेटेस्ट जो अभी उन्होंने निकाल के रखा है ये वाला आप लोगों के पास में अवेलेबल हो जाएगा वहां पे। तो यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग पार्ट वन में कंपनीज एक्ट के काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं। रोमा अलोंग विद हर फ्रेंड्स हैज इनकॉर्पोरेटेड रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड इन मे 2019। द पेडअप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 30 लाख रुपीज। फर्दर इन अप्रैल 2020 शी नोटिस दैट द लास्ट फाइनेंशियल ईयर द टर्नओवर ऑफ कंपनी वॉज वेल बिलो 20 करोड़। बराबर से एडवाइज वेदर द कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी। क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है क्या? अब देखिए स्मॉल कंपनी के बारे में जब भी कोई सोचेगा तो सबसे पहले वो शेयर कैपिटल और टर्नओवर को देखना चाहेगा, जहां पे 2 करोड़ यानी 2 करोड़ और 20 करोड़ का हमारा लिमिट है। तो देखने में ये लिमिट से कम लगती है, लेकिन बच्चे लोगों सबसे बढ़िया चीज देखने की यह है कि ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी है और स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में नहीं आ सकती। तो फर्स्ट आंसर जो इन्होंने दिया, रोमा ट्रेडिंग इज डेफिनेटली स्मॉल कंपनी सिंस इट्स पेड अप कैपिटल बिलो 2 करोड़ 20 करोड़ नहीं हो सकता है। सेकेंड वाला देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपीसी एंड देयरफॉर डिस्पाइट मीटिंग द क्राइटेरिया, बाकी क्राइटेरिया भले ही आप पूरा कर रहे हैं लेकिन यहां पे आप स्मॉल कंपनी के बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो ही करेक्ट होता दिख रहा है। तो बाकी आंसर्स देखने की मुझे जरूरत लग नहीं रही है, बिकॉज यही आंसर एकदम एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट यहाँ पे जा रहा है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अभिलाषा एंड अमृता इज इनकॉर्पोरेटेड एंड नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। वन ऑफ देयर फ्रेंड इज इन्फॉर्म देम दैट देयर कंपनी कैन बी कैटेगराइज एज अ स्मॉल कंपनी बिकॉज एज पर द लास्ट पी एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2019 उनका टर्नओवर है वो 20 करोड़ से कम का है और पेड अप कैपिटल भी 2 करोड़ से कम की है। तो आपको बोला गया कि भाई बिल्कुल उनको एडवाइस करिए, क्या हो सकता है क्या बच्चे लोगों, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हो सेक्शन 8 कंपनी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग सब जानते हैं, एज वेल एज अगर आपने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन देखा है तो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में बच्चे लोगों क्लियर बोल रखा है कि 2 कैटेगरीज में ये कंपनी नहीं हो सकती है, है ना, सॉरी तो नहीं, कितनी कैटेगरीज, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी में नहीं हो सकती है, उसके अलावा ये सेक्शन 8 कंपनी में नहीं आ सकती है, उसके अलावा ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाली कंपनीज में नहीं आ सकती, यानी स्मॉल कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी का कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। देखें तो सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी मीट द क्राइटेरिया लास्ट फाइनेंशियल ईयर अवेल द स्टेटस, पहला आंसर हो नहीं सकता। सेकेंड नंबर इन्होंने लिखा इफ द एक्विजिशन ऑफ मिनिमम 5% स्टेक इन अनदर स्मॉल कंपनी, ये तो ऐसा कुछ तो है ही नहीं भाई, हमारा प्रोविजन ही द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी बेस्टोड अपॉन अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, बिल्कुल सही है, स्मॉल कंपनी और सेक्शन 8 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन भी अगर देखें तो बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन जो हमारा है वही आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बच्चों को बहुत फास्ट ले रहा हूं, टाइम आप लोगों के पास में बहुत कम है तो फटाफट से सारी चीजों को ताकि हम लोग कवर कर पाए। अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि नमीदा सिरेमिक गुड्स लिमिटेड हैविंग 152 मेंबर वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरेमिक गुड्स है, ग्लेज अनग्लेज फ्लोर है, वॉल टाइल्स है, एंड टू कैरी ऑन ट्रेडिंग इन सच प्रोडक्ट। ओके, इन्हीं तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर ये लोग काम करते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर 3 ईयर ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन इट वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाइज बिजनेस बाय एंटरिंग इन टू फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर विच इट इज रिक्वायर्ड टू ऑल्टर ऑब्जेक्ट लॉज। ओके, इनको अपने ऑब्जेक्ट लॉज में ऑल्टर करना है, एडवाइज द कंपनी इन रिलेशन टू ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम। अब आप लोगों में से एक दो जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा भी था
तो ये क्वेश्चन बचे लोगों, सेक्शन 13 से जाने वाला है न कि सेक्शन नंबर 27 से। सर डिफरेंस क्या है? देखो सेक्शन नंबर 27 हमने अगर पब्लिक इश्यू करके कुछ पैसा मंगाया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए और उसमें अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो 27 लगेगा, जो यहां पे नहीं है, कोई पब्लिक इश्यू नहीं है। यहां पे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को अपने को ऑल्टर करना है, उसके लिए क्या कुछ होगा, और मेमोरेंडम ऑल्टर कैसे होता है, वहां मेमोरेंडम ऑल्टरेशन नहीं है। तो सबको पता है एसआर पास करके मेमोरेंडम को ऑल्टर हम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपली हमने क्या कर दिया, एसआर पास करना कहां है भाई, फर्स्ट में ऑर्डिनरी हो नहीं सकता, सेकंड में हमको एसआर दिख रहा है, थर्ड वाले में हमको एसआर और आरडी दोनों दिख रहे हैं, आरडी का अप्रूवल भी कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा, फोर्थ वाले में एसआर है और साथ में न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग का प्रोविजन है। जी नहीं, वो सेक्शन नंबर 27 में होता है, यहां पे नहीं है। सी नंबर ऑप्शन हमारा चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए जी बराबर से तो ध्यान रखिएगा, यहां पे सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट यहां पे अपने को नहीं दे रखी है, सिर्फ आरओसी को अपन लोग इन्फॉर्म कर दें, लेकिन ऐसा अप्रूवल किससे लेना है, क्या लेना है, ऐसा कोई प्रोविजन यहां पे हमारा बना हुआ नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों। ड्यू टू द मैनेजमेंट डिस्प्यूट फ्लोर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुड नॉट होल्ड इट्स करंट एनुअल जनरल मीटिंग बाय लेटेस्ट ड्यू डेट। ओके, इवन आफ्टर लैप्स ऑफ द ड्यू डेट इज सीम्ड रादर इम्पॉसिबल टू कन्वेंट, एजीएम नहीं हो पाएगी। इन सच ऑफ ग्रिम सिचुएशन वन ऑप्शन अवेलेबल वॉज टू अप्रोच एनसीएलडी एंड सीक डायरेक्शन ऑफ द कॉलिंग एजीएम। हम एनसीएलडी के पास जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अभी आप एजीएम को कॉल कर दीजिए, हम लोगों ने सबने सेक्शन 96, 97, 98 सब कुछ पढ़ा हुआ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शन विच वन इज एप्लीकेबल इन द गिवन केस, कि आखिर उनके पास में जाने का जो राइट है वो बेसिकली किसका है। तो एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द एनसीएलडी एंड सीक डायरेक्शन, अ मेंबर ऑफ कंपनी होल्डिंग एटलीस्ट 1%, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मिनिमम 2 मेंबर्स को जाना है, मिनिमम 5 को जाना है, बिल्कुल नहीं। हमने क्लियर पढ़ा है कोई भी मेंबर जाकर के एनसीएलडी को अप्लाई कर सकता है फॉर कॉलिंग एजीएम। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है बच्चे लोगों, आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अनुपम इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी विद हिज सिस्टर अल्पना एज इज नॉमिनी, एज द नॉमिनी एट अबाउट 3 ईयर हैव पास सेटिस्फैक्टरीली। अनुपम डज अ नंबर ऑफ चैरिटेबल वर्क एंड इज एसोसिएटेड विद 3 एनजीओज, हिज बिजनेस अंडर हिज ओपीसी हैज ऑल्सो फ्लोरिस्ट, नाउ इज प्लानिंग टू कन्वर्ट ओपीसी। इधर एक पंगा है भाई, ओपीसी को सेक्शन 8 में, ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 में नहीं आ सकती है, स्मॉल कंपनी हुआ ओपीसी हुआ ये कभी भी सेक्शन 8 के अंदर काम नहीं करती है, आपको अच्छे से पता है। तो क्या ऑप्शन होगा बच्चे लोगों, सीन्स द कंपनी बिलोंगिंग टू अनुपम ही हैज फुल डिस्क्रिशन, जैसा मर्जी हो, नहीं भैया जिधर कंपनी लॉ का मर्जी चलेगा उधर तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा। सिंस द कंपनी वॉज फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक कंपनी, जी नहीं, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्टिंग ओपीसी इनटू सेक्शन 8 कंपनी, अदरवाइज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी विदाउट हिंड्रेंस, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनमें कन्वर्ट हो सकते हो। सिंस अनुपम डज लॉट ऑफ चैरिटेबल इज नो प्रोहिबिशन, जी नहीं, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा यहां एक बात बढ़िया, आप लोगों ने पढ़ते वक्त भी बात की थी, डायरेक्टली आप सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हो, लेकिन ओपीसी पहले एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, और प्राइवेट कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। चलिए 6 पे जाते हैं, एन इशूइंग हाउस शेयर ब्रोकर हैज इशूड एन एडवर्टीजमेंट इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर फॉर सेलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर एलोटेड टू इट बाय अ कंपनी अंडर अ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं, बच्चे लोगों ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इशू हाउस की बात आ चुकी है। तो कई लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट देखते ही लग सकता है सर ये तो सेक्शन नंबर 42 का हमारा आंसर होना चाहिए, 42 होना चाहिए बराबर, पर ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 42 की यहां पे रिक्वायरमेंट लगेगी, या इशूइंग हाउस की बात हो रही है जिसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया है बराबर से, तो ध्यान रखिएगा इशू हाउस का बेटर आ गया। इन विच ऑफ द पब्लिक ऑफर जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी एडवर्टाइजमेंट नॉट बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, बच्चों समझिएगा, क्लियर हो गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द एडवर्टीजमेंट नॉट डीम्ड, सबसे पहला एडवर्टीजमेंट वॉज गिवन विद इन 6 मंथ्स, बिल्कुल 6 महीने के अंदर तो जाना चाहिए, ये तो करेक्ट है। एडवर्टीजमेंट वॉज गिवेन After 6 months from the date of allotment and issuing houses paid the entire consideration to the company, पूरा पैसा इनके पास में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या कहते हो बच्चे लोगों? द
दोनों कंडीशंस है, एडवर्टीजमेंट अगर आपने 6 महीने बाद दिया और पूरा पैसा अगर अलॉटमेंट के टाइम पे ही आ गया बराबर से, तो फिर ये कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी के अंदर, प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, ये हम लोग पढ़ के आएंगे। सर एक बार वापस बताओ इसमें क्या हो रहा है। बच्चों पहली चीज, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंपनी अपने शेयर्स को इशू हाउसेस के थ्रू भी इशू कर सकती है, बराबर, बहुत क्लियर है। सेक्शन नंबर 25 में हम लोगों ने पढ़ा है कि इशू हाउस के थ्रू भी ये शेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली पब्लिक को इशू हो सकते हैं, जहां पे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस का करते हैं इस्तेमाल, बराबर से। अब उसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कहती है कि कंपनी क्या करने वाली है, वहां पे कंपनी इशू हाउस को शेयर्स अलॉट कर देगी या एग्रीमेंट कर लेगी, और ऐसा एग्रीमेंट करने के 6 महीने के अंदर इशू हाउस जो है वो पब्लिक के लिए एडवर्टीजमेंट इशू कर देगा, बराबर, पब्लिक में चला जाएगा। एज वेल एज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कंपनी को पूरा पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो वही चीज इन्होंने लिखी है। देखो पहले वाले में 6 महीने के अंदर दिया तब तो वैलिड है, सेकेंड एंटायर कंसिडरेशन ये भी कंडीशन वैलिड है। अच्छा ये कंडीशन तो चलो वो डी वाली तो हुई नहीं, तो मेन दो चीजें जो आपने फॉलो नहीं की, क्योंकि इन्होंने पूछा है वो कंडीशन बताओ जो जब इसको प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा, तो या तो आपने 6 महीने बाद इशू किया रहेगा या एंटायर आपके पास कंसिडरेशन पहले आ गया रहेगा, तो फिर ये प्रोस्पेक्टस का कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। सो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बच्चों को एकदम करेक्ट जाने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखिएगा, नॉट ट्रू अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। इन केस ऑफ शेयर्स the rate of underwriting commission to be paid shall not exceed 5% of the issue price of the shares। ठीक है भाई, 5% से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है, बराबर। underwriting commission should not be more than the rate specified in the articles of association, ये भी करेक्ट है। इन केस ऑफ डिबेंचर द रेट ऑफ underwriting commission shall not exceed 5%, गलत है बच्चे लोगों, डिबेंचर्स के केस में ये होता है 2.5% और आर्टिकल्स व्हिच एवर इज लेस अमाउंट ऑफ कमीशन मे बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये भी ट्रू है। इट मींस हमारा फॉल्स नंबर जो है वो एब्सोल्युटली सी हो गया, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों को, 8th क्वेश्चन क्या कहता है चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में है। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। कंपनी हैज टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। मिनिमम ऑफर पर पर्सन शुड मेक मार्केट वैल्यू ऑफ 20,000, ये कंडीशन पहले हुआ करती थी, अभी नहीं है, ये हमारा आंसर है। क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सी चीज कॉन्ट्ररी है, मतलब कौन सी चीज अगेंस्ट में है, कौन सा प्रोविजन नहीं है। पब्लिक कंपनी कैन मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी हमारा करेक्ट है, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। तो एक ही कंडीशन यहाँ से ऑड इन ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन हो गया, कि आपको बताना है कि भी इनमें से कौन सा सेंटेंस और जा रहा है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। 9th पे आते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल होगा और रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ। अब सेल्फ प्रोस्पेक्टस कब से वैलिड होता है, बहुत सिंपल सा है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट इशू, बराबर से। तो बट ऑब्वियस है जब हमारा इशू ओपन होगा वहां से 1 साल तक ये वैलिड होता है। तो 9th का सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल जाने वाला है करेक्ट, बराबर। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। श्रीपेड रिलीजियस पब्लिशर लिमिटेड हैज रिसीव एप्लीकेशन मनी ऑन एप्लीकेशन मनी 20 लाख 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑन 10th October 2019 From the applicants who applied for allotment of share in response of a private placement offer of securities made by the company, okay, private placement के through गया है। तो latest date आपको पूछा है, जब तक share allot हो जाने चाहिए, तो जब भी हमारे पास में application money आ गई, वहां से बच्चे लोगों अपने पास में 60 days का time होता है, है ना? 60 दिन के अंदर अंदर ये allotment हो जाना चाहिए। तो 10th October then नवंबर आ गया, और नवंबर के बाद दिसंबर आ गया, 9th ऑफ दिसंबर अपने को इधर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेक्शन 42 में क्लियर बोला हुआ है बच्चे लोगों को, 60 दिन में पैसा आ जाना चाहिए, अलॉट कर देना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको पैसा वापस करना है, नहीं तो 61th डे से ही इंटरेस्ट के साथ में आपको पैसा वापस करना रहेगा, वो प्रोविजन आपने पढ़ा हुआ है। ये हमारा 10th वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों, 11th की तरफ।
बीइंग इन नीड ऑफ फर्दर कैपिटल, रिमसी कॉटन सिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफर 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 1 ईच ऑफ 50% ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, 50 लोग को इधर आइडेंटिफाई किया, मैक्सिमम 200 को कर सकते थे। एंड अकॉर्डिंगली लेटर ऑफ ऑफर अकॉम्पनीड बाय एप्लीकेशन द नेसेसरी फॉर्म वाज सेंड टू देम आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द फॉर्मेलिटीज, जिसमें एसआर वैसआर पास कर दिया है। गुड। वन ऑफ द एप्लीकेंट राजन मेड अ रिटन कंप्लेंट टू द कंपनी हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट द ऑफर लेटर वॉज इनकम्प्लीट और इलीगल बिकॉज उसमें कहीं पर भी रिनंसिएशन का क्लॉज नहीं है, एज ही वॉन्टेड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रिनंसिएशन इन फेवर ऑफ हिज सन उदय। अब बच्चे लोगों, सेक्शन 42 अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए, चाहे हमारे ये वाले शेयर्स हो गए प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हम लोग जो देते हैं, या सेक्शन नंबर 62 के अंदर भी जो ESOP वगैरह वाले हमारे पॉइंट पे, उसमें आपको राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि राइट शेयर्स के अंदर 62(1)(a) के अंदर जो राइट शेयर्स है उसमें आपको रिनंसिएशन का राइट मिलता है, लेकिन बाकी में नहीं मिलता है कि आप किसी और को ट्रांसफर कर पाओ। तो एंसर सीधा सीधा सा देखें, एज अ राइट कैन नॉट बी डिनाइड, द कंपनी इज प्रोहिबिटेड, बी ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इंस्टेड ऑफ प्रोहिबिशन कंपनी कैन प्रोवाइड, कंपनी कैन प्रोवाइड, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। कंपनीज एक्ट को आप वॉलेट नहीं कर सकते तो प्रोहिबिट रहेगा, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। इनोवेटिव टेक्सॉल लिमिटेड इंटेंड टू इन्वाइट सब्सक्रिप्शन ऑफ 1.10 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, बिल्कुल बढ़िया भाई, मंगाइए, बहुत अच्छी बात है। द पर्सन आइडेंटिफाई एज पोटेंशियल सब्सक्राइबर आर विद इन द स्टैट्यूटरी लिमिट एंड ऑल्सो इंक्लूड द टू अदर कैटेगरी टू विच सच स्टैट्यूटरी लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल। वन सच कैटेगरी इज एम्प्लॉइज, बच्चे लोगों प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 की लिमिट में दो कैटेगरीज को इंक्लूड नहीं करते, एक तो जिनको हम एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम में शेयर दे रहे हो एम्प्लॉइज, और दूसरे हमारे QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बराबर से। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाते वक्त भी कहा था कि ऐसा क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशनल बायर या क्वालिफाइड इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल बायर, तो करेक्ट आंसर इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIBs, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते बच्चों। नेपच्यून मेटल्स टूल्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2nd December 2018 विद 25 सब्सक्राइबर एंड ऑथोराइज कैपिटल इनका 50 लाख रुपीज का 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर इन डिलेमा वेदर टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू द सब्सक्राइबर इन फिजिकल फॉर्म और डीमेटलाइज करना है। आपको बोला एडवाइस करने को बच्चे लोगों, ये कंपनी हमको पब्लिक कंपनी दिख रही है। अगर आप लोगों ने ढंग से सेक्शन 29 को रीड किया है तो आप लोग जानते हैं, नाउअडेज प्राइवेट कंपनीज को छोड़ दें तो हर पब्लिक कंपनी, देखो लिस्टेड के लिए तो पहले से था, अनलिस्टेड कंपनीज भी अगर हैं तो उनको नाउअडेज अपना सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में ही करना होगा, और पहले से अगर शेयर सर्टिफिकेट है तो दे हैव टू कन्वर्ट। तो बट ऑब्वियस है ये फिजिकल में कर ही नहीं सकते भाई, तो ये जो पहला ऑप्शन है फिजिकल और अल्टरनेटिव दो, बिल्कुल भी नहीं। नेपच्यून नीड टू इश्यू शेयर ओनली इन डीमेटलाइज फॉर्म, बी ऑप्शन मुझे करेक्ट लगता है बिल्कुल। मोर देन 100 हो तो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, ऑथोराइज कैपिटल 50 लेके नंबर है तो डीमेट करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन बचे लोगों यहाँ एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है हमारा, कि हाँ भाई आप सिर्फ और सिर्फ किसमें करेंगे, डीमेट फॉर्म में करेंगे, बिकॉज सेक्शन 29 हमको बिल्कुल डायरेक्टली यही बात करता है, बराबर से। नेक्स्ट पे आते बचे लोगों, क्वेश्चन नंबर 14 पे। The amount that an unlisted public company is required to maintain as security deposit at all times, again section number 29 के question है ये, with the respective depository when it dematerialized, जब भी आप dematerialize के लिए जाते हैं तो minimum एक आपको fees जो है वो, as जैसे आप लोगों class में पढ़ाते हैं तो मैंने कहा था कि हम लोग जैसे कोई मकान भी किराए पे लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ टाइम का रखना पड़ता है ना, कभी कल को अगर पे नहीं करें तो कम से कम इतना अमाउंट उनके पास पहले से डिपॉजिट रहेगा। तो कितना है भाई, 2 साल की फीस के बराबर का पैसा होता है, तो 2 साल अपने को बी में दिख रहा है बच्चे लोगों, सेक्शन 29 आप चेक कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा एब्सोल्युटली जाने वाला है यहाँ पे करेक्ट। चलिए जी, कमीशन इज परमिटेड टू बी पेड ऑन एनी अंडरराइटर बाय द कंपनी ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन कब दिया जाएगा बच्चे लोगों, क्या लगता है, राइट शेयर पे, बोनस पे, प्राइवेट प्लेसमेंट पे या पब्लिक ऑफर, जब हमने पढ़ा था बट ऑब्वियस है तभी हम अंडरराइटिंग कमीशन देते हैं, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 16th नंबर,
इन केस ऑफ ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल। बच्चे लोगों याद आया आप लोगों को ऑफर ऑफ सेल बाय सर्टेन मेंबर्स, बराबर। तो प्रोविजन क्या कहता है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही है भाई, इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं आता है। एंटायर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव विद इन 3 days, 25% अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव ओपनिंग एंड रिमेनिंग 75%, ऐसा कुछ पड़ा नहीं है बनने 50% अभी 50% बाद में, जी नहीं, एक ही प्रोविजन इससे कनेक्टेड था। हमने कहा था इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है, एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्लस यूटिलाइजेशन कहां करोगे वो नहीं आता है, बिकॉज ये पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास में नहीं आ रहा है, अपने को पता है बराबर, ये शेयर होल्डर्स जिन्होंने ये इशू निकाला है उनके पास ही जाने वाला है। कंपनी एज अ मीडिएटर काम कर रही है, कंपनी के थ्रू इशू हो रहा है, तो 16th का ए नंबर ऑप्शन हमारे पास में जाने वाला है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी 17th वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चे लोगों, बहुत फटाफट से, बहुत फास्ट हम लोग बात कर रहे हैं। The time limit within which a copy of contract for payment of underwriting commission is required to be delivered. आप किस वक्त में underwriting contract की copy ROC को deliver करोगे? But obviously बच्चे लोगों section 26 में बहुत सारे documents contents हमने पढ़े हैं, और जिस वक्त में आप prospectus का copy delivery करोगे ROC को, तभी आप underwriting commission का contract का copy भी देने वाले हो, तो but obviously B option साफ दिख रहा है अपने को, जब आप prospectus का delivery करोगे तभी आपको deliver भी करना है। चलिए next पे आते हैं। शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉई एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर देयर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग, साफ पता लग रहा है डायरेक्टर एम्प्लॉई को डिस्काउंट पे दे रहे हो नो हाउ के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, स्वेट इक्विटी बाय, ये वाला क्वेश्चन तो कोई भी आंसर कर देगा कि सर ये तो स्वेट इक्विटी शेयर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे एकदम फटाफट से। The articles of a private company state that a company may issue preference share which have preference with respect to payment of dividend only, but no preference as to the payment of capital. Okay, in case of winding up, is it possible for company to issue preference share? बच्चों समझना, preference share का section 43 का definition ही exactly आपको यही कहता है कि भाई जिसमें preference के अंदर भी उसको पहले priority मिल जाएगी, बराबर, और winding up के time पे भी पहले priority मिलती है। लेकिन देखिएगा, प्राइवेट कंपनी है वो अपने हिसाब से अपने प्रोविजंस बना सकती है अगर अपने आर्टिकल्स में लिख दे ही हमने पढ़ा है, तो एज पर सेक्शन 43 ये बात तो सही है कि शुड हैव बोथ प्रेफरेंसेस, लेकिन बच्चे लोगों 43 में प्राइवेट कंपनी को तो एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये प्राइवेट कंपनी पे फोकस नहीं करूं तो 100% है कि मुझे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही दिखेगा। यस सर, 43 के हिसाब से दोनों प्रेफरेंसेस होनी जरूरी है, लेकिन बच्चे लोगों private companies के लिए no, this will become an equity share. Yes, because as per section preference should have anyone preference. जी नहीं, 43 में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन because articles of company allow issue of such preference share और company private company है तो ये permissible हो सकता है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा carefully वहां पे paper को करोगे तभी answer आपके correct हो पाएंगे। चलो 20 पे आ दें। A general meeting of companies to be held on 30th August 2020. The company has not paid dividend in respect of preference share for the financial year 18-19 or 19-20. दो साल तक preference वालों को dividend नहीं मिले भाई, इनको voting के rights मिल जाएंगे। In such a case, preference shareholder will not have any voting right. अरे मिलेंगे भाई, will have the right to vote because dividend has not been paid for the last 2 years. Not have तो होना ही नहीं है, will have right, आप लोग सब जानते हो। 2 ईयर तक अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला तो फिर हर मीटिंग में, मतलब हर प्रपोजल पर उनको वोट देने का राइट मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे आ दें। वेयर देयर इज अ चेंज इन द राइट्स ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, बच्चों एक क्लास का दूसरे क्लास पर असर, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, बराबर। तो क्या क्लियर मैटर है इसका भाई, वेयर देयर इज अ चेंज इन द राइट ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी दैट ऑल्सो अफेक्ट द राइट ऑफ अनदर क्लास, तो फिर क्या होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन अपने को पास करना रहेगा जनरल मीटिंग में इन दिस रिगार्ड, बिल्कुल सही है। कंपनी नीड टू बी एनीथिंग फर्दर, तीसरा द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ 3/4 ऑफ सच अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर शेल ऑल्सो बी ऑब्टेन, बराबर से ठीक है। एंड वेयर अ चेंज इन द राइट ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर ऑल्सो अफेक्ट द राइट ऑफ अनदर क्लास, तो बट ऑब्वियस है कि उनका भी आपको 3/4 का कंसेंट लेना जरूरी रहेगा,
पहला वाला मैटर तो भैया जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन नहीं, उस अदर क्लास के 3/4 का कंसेंट आप ले लो रिटर्न के अंदर, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या कहते हो, सी ऑप्शन 21 का हमारा बिल्कुल सही जाता है यहाँ पे, तो अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, राजेश इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वॉन्ट्स टू इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर। प्रेफरेंस शेयर इशू करना है 20 साल से ज्यादा के लिए, बराबर समझिएगा, 20 साल से ज्यादा के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन 20 या 30 साल के लिए कर सकते हैं ना, लेकिन 21 ईयर से आपको रिडेम्पशन चालू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोविजन याद आता है आपको, सेक्शन नंबर 55। यस द कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल, नहीं जी इररिडीमेबल वाले तो इशू होते ही नहीं है। यस कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर पीरियड एक्सीडिंग 20 ईयर, लेकिन उसके लिए सीजी का अप्रूवल चाहिए। नहीं, यस द कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल, नॉट पॉसिबल। यस द कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर फाइनेंसिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग टू 20 ईयर, सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, बराबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 23 पे आते हैं। इफ अ कंपनी हैज ऑथोराइज शेयर कैपिटल 6 लाख का, पेड अप कैपिटल 5 लाख का, और लोन उनके पास 2 लाख का है ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड द कंपनी टू कन्वर्ट इट्स लोन इन टू इक्विटी शेयर, इसमें कन्वर्ट कर दो, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा भाई? सबसे पहला कहां कहां इंक्रीजिंग होगी, कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल चेंज होगी, बिल्कुल होना है, कंपनी का पेड अप कैपिटल भी चेंज होगा, और इससे ऑथोराइज भी चेंज हो रहा है। सर कैसे? देखो बच्चों, लोन 2 लाख का है, अगर ये दिया तो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल तो 6 लाख का ही है, 8 लाख हो जाएगा, 5 लाख ऑलरेडी हमने इशू कर रखे हैं, 1 लाख हम और इशू कर सकते हैं, और करने दो है तो कंपनी का ऑथोराइज चेंज करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस है पेड अप भी चेंज होगा, सब्सक्राइब भी चेंज होगा, तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ द अबव सारी की सारी कैपिटल की कैटेगरी चेंज होगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। नंबर 24 पे आते हैं। अ कंपनी बॉट बैक 10% ऑफ इक्विटी शेयर, बिल्कुल सही है, और इन ऑगस्ट 2020 ड्यू टू सर्टेन मिसकैलकुलेशंस ड्यूरिंग द फर्स्ट बाय बैक इट अगेन बाय बैक अनदर 10% इक्विटी शेयर इन सितंबर 2020, इस सेकंड बाय बैक इज वैलिड, क्या सेकंड वाला वैलिड होगा क्या? देखो अगस्त के अंदर हम 10% का सोच रहे हैं और कुछ मिसकैलकुलेशन की वजह से इट अगेन बॉट बैक अनदर 10%, भाई पहले वाला खत्म हुए बिना कैसे? 12 महीने का गैप दो में होना चाहिए, तुम तो अगले महीने ही कर रहे हो। इट कैन डू सो सब्जेक्ट फुलफिल ऑन अदर कंडीशन, नहीं भाई इट कैन नॉट डू सो। क्या कहते हो आप लोग? मस्ट बी टाइम गैप बिटवीन 12 मंथ फ्रॉम द 2 buyback, तो अगले महीने आप करने की सोच रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर भी जाने वाला है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बच्चे लोगों हमको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 25 पे आते हैं। स्वागत हॉस्पिटलिटी लिमिटेड डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लास्ट 2 installments ऑफ टर्म लोन अवेल फ्रॉम नेशनल कमर्शियल बैंक, बैंक से लिया है लोन, 2 installments जो ड्यू थी उसका रीपेमेंट नहीं किया, 30 सितंबर को इन्होंने सारे ड्यूज जो है वो क्लियर कर दिए, बहुत बढ़िया बात है। तो कंपनी अभी DBR इश्यू करना चाहती है वो कब कर सकती है? बच्चे लोगों DBR के बारे में अपने क्या पढ़ा था, क्या कहते हो वो कुछ पॉइंट था क्या? 5 ईयर ये डिफॉल्ट ठीक करने से 5 साल, ऐसा कुछ पॉइंट यहाँ था क्या? चेक करें अपन। तो पहला इन्होंने लिखा है अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिफॉल्ट वॉज मेक गुड, चलिए भाई बढ़िया 5 साल, अपॉन एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओके 3 ईयर तो है ही नहीं भाई, तो 3 और 7 तो सब हटा दो। अब बच्चे लोगों सारा पंगा है 5 साल का, याद करो क्लास में पढ़ाते वक्त बहुत तरीके से आपको मैंने कहा था कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने डिफॉल्ट ठीक किया होगा उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से, बराबर, यानी जैसे 30 सितंबर 19 है तो बट ऑब्वियस है ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 20 को, वहां से आप 5 साल तक प्रोहिबिटेड रहेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट आपने ठीक किया 30 सितंबर तो यही से 5 साल बाद, नहीं, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने डिफॉल्ट ठीक किया उसके खत्म होने से 5 साल था, तो अपॉन एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिफॉल्ट वॉज मेड गुड, यही हमारा ऑप्शन था बच्चे लोगों, सी नंबर आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों, किधर गया भाई ये रहा। चलिए तो राधा द ओरिजिनल एलओडी ऑफ 2000 इक्विटी शेयर ऑफ मूर्ति मैकेनिकल टॉयज प्राइवेट लिमिटेड हैज ट्रांसफर्ड द सेम टू रुचि, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डेटेड 21st August 2020 ड्यूली स्टैंप, ओके राधा है जिसके पास में शेयर है वो ट्रांसफर कर रही है किसको? रुचि को, बढ़िया बात है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफर डीड का 31 अगस्त को उसको 21st August को उसको स्टैंपिंग करवा लिया है, साइन कर दिया है राधा ने और हैंडेड ओवर कर दिया है रुचि को। अब आप रुचि को एडवाइस करो कि लेटेस्ट डेट कौन सी रहेगी
जब ये ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट शेयर सर्टिफिकेट के साथ में कंपनी के पास में चला जाना चाहिए बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 56 का हमारा क्वेश्चन है जो कहता है स्टैंपिंग की डेट से 60 दिन के अंदर ये जाना चाहिए, तो सितंबर अक्टूबर 20th अक्टूबर करेक्ट आंसर अपने को साफ दिखता है, तो 20 अक्टूबर इस करेक्ट आंसर आप लोग चेक कर लेंगे, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ स्टैंपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है बच्चे लोगों श्रीम लक्ष्मी ज्वेलरी स्टोर प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 27th August 2020 विद 30% एज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 crore डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ शेयर ऑफ 1 each। बहुत बढ़िया, ईच सब्सक्राइबर सब्सक्राइब फॉर 1 lakh शेयर, एडवाइज द कंपनी अबाउट बाय व्हाट डेट इट नीड टू डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट टू द सब्सक्राइबर्स। बच्चे लोगों सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम या अलॉटमेंट के थ्रू जब भी कोई शेयर लेता है तो 2 months हम लेते हैं, अलॉटमेंट से 2 महीना या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से 2 महीने का टाइम अपने को लेना पड़ेगा। बहुत सीधा सा है, तो 27 अगस्त अपने को दे रखा है, तो अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर हमारा आ गया, तो क्या लगता है बच्चे लोगों अक्टूबर का डेट क्या डालते हैं इसके अंदर, 27th of October क्योंकि अगस्त जो हमारा है वो 31st का हो गया बराबर, तो सितंबर अक्टूबर बराबर से 27th of October इज आर करेक्ट आंसर। तो 2 महीने का टाइम हमको बोला है, तो सीधा सीधा देखो डेज के अंदर तो हमारा 1 दिन पहले खत्म हो जाता है, लेकिन मंथ का अगर बोला है तो सीधा 27 अगस्त से जाएगा, तो सितंबर और अक्टूबर 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर इज करेक्ट आंसर अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, केशिका द ओरिजिनल एलओडी एंड ओनर ऑफ 1000 equity शेयर ऑफ 50 each इन मॉडर्न बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड वॉन्टेड टू ट्रांसफर दी शेयर टू हर यंगर सिस्टर वंशिका बाय वे ऑफ गिफ्ट। बढ़िया चीज है, शी कंप्लीटेड द ट्रांसफर डीड इन ऑल रिस्पेक्ट एंड डिलीवर द सेम टू द कंपनी अलॉन्ग विद शेयर सर्टिफिकेट ऑन 17th of July को इन्होंने ये सबमिट कर दिया है। हाउएवर द कंपनी did not register, did करना इसको, did not register the transfer even after expiry of more than 1 month और कंपनी ने नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भी नहीं दिया। बच्चों 30 दिन के अंदर या तो रजिस्टर करो या नोटिस दे दो। द लोन रिमाइंडर द कंपनी है, जो भी पर्सन है भी हमारा ये, इसने रिमाइंडर दिया कंपनी को द रिमाइंड अनएंसर, लेकिन यहां पे भी जो आंसर कंपनी की तरफ से आई नहीं। एन अपील इज टू बी फाइल अगेंस्ट द कंपनी विद एनसीएलटी, बिल्कुल जाओगे अगेंस्ट दिस फेलियर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ द सेट शेयर। तो हु हैज राइट टू फाइल एन अपील, बच्चे लोगों पढ़ाते वक्त क्लियर बोला था आप लोगों को कि ये अपील करने का राइट लॉ ने अब सिर्फ ट्रांसफरी को ही दे रखा है, तो ट्रांसफरी इधर अपना कौन है भाई। बट ऑब्वियस है ट्रांसफरर केशिका है और ट्रांसफर जिसको हो रहा है वो उसकी सिस्टर है, कौन है वंशिका, तो सिर्फ उसी को राइट है, तो केशिका को राइट, वंशिका एज अ ट्रांसफरी एंड पोटेंशियल ओनर ऑफ शेयर एज राइट टू फाइल एन अपील, बिल्कुल सही है, दोनों दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी दे सकता है नहीं, बिल्कुल भी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलिए जी फिर आते हैं बच्चे लोगों, वनीता वॉच लिमिटेड हैज प्रपोज टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, बहुत बढ़िया, वैल्यू एडिशंस के लिए मेड बाय देम इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। The period for which the employee who have been allotted the said equity share, sweat equity share cannot be transferred. बोले तो हमारा लॉक इन पीरियड कितना होगा जिसमें ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, 3 साल का टाइम पीरियड है, अलॉटमेंट से साफ दिख रहा है बच्चे लोगों, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आप लोगों के लिए, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी सीमेंट लिमिटेड इज डिजायर टू इशूइंग डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट्स, नहीं पॉसिबल है भाई, डिबेंचर विद वोटिंग राइट इश्यू हो ही नहीं सकते, डायरेक्टली कुछ सुनना ही नहीं है, कैन इश्यू कैनॉट इश्यू दिखना चाहिए सीधा सीधा सा, कुछ भी हो जाए ऐसा वैसा तैसा वैसा कुछ भी नहीं बराबर, कन्वर्टेबल भी इश्यू करोगे तो जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक वोटिंग राइट्स नहीं मिलने वाला है, ये अपने को इधर बच्चे लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 31, अब 31 क्या कहता है देखना, 31 कहता है वाई मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर सीकिंग कन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिंग्विशिंग द लाइबिलिटी ऑफ 3 per equity share। ओके, 3 rupees इक्विटी शेयर पर लाइबिलिटी आप कम करने जा रहे हो, बोले तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ठीक है भाई, सेक्शन नंबर 66, मेधावी पब्लिशर्स लिमिटेड हैज टू फाइल अ सर्टिफिकेट। ओके, एप्लीकेशन के साथ में आप एक सर्टिफिकेट लगा रहे हो कि आपने जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का वो बिल्कुल पूरा कर दिया है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। बचे लोगों, ये सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा, आपसे पूछा है तो आप लोग सब जानते हो, आखिर वो कौन है जो कहे एएस फॉलो हुए हैं। एक ही बंदा है जो अकाउंटिंग को लेकर के बिल्कुल कन्फर्मिटी दे सकता है, और वो होगा हमारा ऑडिटर। तो डायरेक्टर भी नहीं, सीएस भी नहीं, लीगल एडवाइजर भी नहीं, बट ऑब्वियस है सी ऑप्शन हमारा ऑडिटर ही वो बंदा होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 32 पे आते, और रिजर्व अकाउंट दैट शैल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड ओके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्या कहते हैं बच्चे लोगों, देखो इन्होंने बोल दिया दोनों में से कुछ भी नहीं, बिकॉज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, तो बट ऑब्वियस है ये डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट हमारा होगा, डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे आप लोग, जो सिर्फ और सिर्फ किसके काम में आएगा, इन्हीं के प्री पेमेंट के अंदर, और किसी काम में नहीं आएगा। नॉर्मली देखिएगा, नो डिपॉजिट आर रीपेबल अर्लियर देन, बच्चे लोगों मिनिमम हमने पढ़ा है 6 months, मैक्सिमम पढ़ा है 36 months, कुछ कंडीशन पूरी हो तो 6 की जगह 3 महीना हो सकता है, लेकिन जनरली अगर नॉर्मली पूछा है तो बट ऑब्वियस है हमारा आंसर जो है वो 6 months ही जाने वाला है, तो हम लोग आंसर टिक करेंगे यहाँ पे 6 months बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या कहता है, भूमि रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, देयर इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑन देयर मैच्योरिटी, किसी तरह का कोई डिफॉल्ट उन्होंने नहीं किया है। द स्टैट्यूटरी अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी ओनर बिफोर हर साल 30 अप्रैल को 20% के बराबर अमाउंट बच्चों जो अगले फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर हो रहा है सबको याद है ये तो, और 20% कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक ही में दे रखा है, तो कोई टेंशन भी नहीं कि आगे क्या होगा कैसे, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर या ये फाइनेंशियल ईयर या क्या, तो टेंशन ही नहीं, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, साफ अपने को यहाँ पे दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आता हूँ, लिमिटेड कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ वेरियस टेन्योर फ्रॉम इट्स मेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम, द करंट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस इज कंप्लीट, तो आपको बताना है कि कितने टाइम तक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना होता है। बच्चे लोगों बहुत क्लियर हमको पता है, जो भी एंट्री एक बार वहां पे आ गई वहां से 8 years तक अपने को मेंटेन करना पड़ता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बराबर, इनमें ज्यादा कोई डिस्कशन का बात है ही नहीं, डायरेक्ट अपने को याद होना चाहिए कि सर इसमें 8 year है, तो हमारा सीधा 8 year अपने को यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा आंसर नंबर सी जो है वो इसके लिए हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोगों, 36 क्या कहता है, फिफ्टी क्वेश्चंस का टारगेट हमारा आज का है, कि इस वाले सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन हमारे खत्म कर देंगे, 50 हमारे नेक्स्ट सेशन में हो जाएंगे, और उसके बाद में हम लोग सीधा सीधा सा केस बेस्ड एमसीक्यूज, क्योंकि 40 है उनमें टाइम भी लगने वाला है। तो ड्रीम वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट 50 lakh का फ्रॉम पब्लिक 1 April 2019 फॉर ए पीरियड ऑफ 24 months, ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट वुड बी मेड ऑन 31 March 2021, ओके 2 साल से पे हो जाएंगे। The rate of interest payable on deposit is 9% per annum. One of the depositor, Mr. Aman, वो request करते हैं कंपनी को 1 June 2020 को premature repayment of his deposit of 6 lakh along with interest. कि सर मेरा पैसा जो है वो मुझे आप वापस कर दीजिए। बच्चों क्या कहते हो, कर सकते हैं क्या? जी हाँ, 1% इंटरेस्ट का रेट उनका कम हो जाएगा, और उसके साथ जितना उनको पैसा चाहिए वो अपना वापस कर सकते हैं, 1% कम होगा, तो 9 से 1% कम होता है बच्चे लोगों, तो 8% अपना होना चाहिए, जितना भी टाइम अब तक हुआ उतना हो जाएगा 1 April 2019 से, जब भी ये पैसा वापस चाह रहे हैं, इन्होंने डिमांड किया 1 June को, तो बट ऑब्वियस है 31 May तक का पैसा अपन वापस कर देंगे इनको, तो ये देख लीजिए बिल्कुल 8% यहां दिख रहा है, लेकिन ये अपन दे रहे हैं अप्रैल से मार्च तक का, जी नहीं, जब से इन्होंने जमा कराया है वहां से लगा करके जब इनको आप रीपे कर रहे हैं तब तक का देंगे, तो बट ऑब्वियस है 8% यहां अपने को दिख रहा है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट चला जाएगा बच्चे लोगों, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, सुनीत स्पाइसेस लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज डिपॉजिट 20 lakh फ्रॉम इट्स मेंबर, हाउएवर इट प्रपोज टू सिक्योर सच डिपॉजिट पार्टली बाय ऑफरिंग अ सिक्योरिटी 15 lakh, विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चे लोगों याद रखिएगा इसके अंदर पार्टली वाटली कुछ नहीं होता है, दीज आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर, मतलब अनसिक्योर, अगर पार्टली भी है तो बट ऑब्वियस है उनको अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा, तो ये डिस्क्राइब जो होंगे वो एज अनसिक्योर्ड ही होने वाले हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। Now, what is the maximum tenure जिसके लिए कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, बट ऑब्वियस सबको याद है 36 मंथ हमारा मैक्सिमम है, सबको ध्यान में है, तो 36 months आर करेक्ट आंसर बराबर। इनमें एक दो आंसर जो है वो कहीं गलत है, मैंने उसको नोट करके रखा हुआ है कि जहां पे एक आध आंसर के अंदर
मुझे लगता है 50 तक जो आज अपन करने वाले हैं उसमें तो कुछ भी आंसर जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। एक आध जगह पे आंसर जो है वो मुझे गलत लगता है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो आप भी डिसाइड करेंगे मेरे साथ में मिल करके कि हाँ भाई क्या आंसर होना चाहिए। तो रुचिदा वॉन्ट्स टू रिन्यू अ डिपॉजिट 50 या 5 लैख विद केबल कंस्ट्रक्शन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल पीरियड ऑफ अवेलिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जब आप मेच्योर होना चाह रहे हैं उससे पहले आप ले लेते हैं, मेच्योर से पहले ही आप रिन्यू करवा लेते हैं ताकि आपको हायर इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाए। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जितना टाइम पीरियड आपका बचा हुआ है उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आपको अब ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो द फ्रेश पीरियड फॉर विच रुचिता इज रिक्वायर्ड टू रिन्यू अ डिपॉजिट टू बी एलिजिबल फॉर द हायर रेट। तो हायर रेट अगर चाहिए तो क्या होना चाहिए, 1.5 times ऑफ द अनएक्सपायर्ड पीरियड। जी नहीं, सीधा सीधा सा अनएक्सपायर्ड पीरियड से ज्यादा होना चाहिए, डबल, 6 months ज्यादा। जी नहीं, डायरेक्ट पॉइंट है, longer than the unexpired period of deposit। बच्चों को आपने पढ़ा हुआ है, जैसे 36 months के लिए आपने डिपॉजिट किया और वो किया आपने 8% पर, अब इस बात को लगभग 24 महीना निकल चुका है, एक साल अभी बाकी है और कंपनी ने नया डिपॉजिट इनवाइट कर लिया है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी दे रही है 10%। तो आप ये चाहते हो कि भी एक्स्ट्रा पैसा है नहीं, यही वाला पैसा प्री मेच्योरिटी से निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर आप प्री मेच्योरिटी से पैसा निकालते हैं तो बट ऑब्वियस 8 की जगह 7% ही मिलेगा आपको, नुकसान है, लेकिन यहां 2% का फायदा हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट की रेट 2% से बढ़ गई है। तो अब आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड जो है वो एक साल का है, यानी 12 month का है ना, 36 की जगह आप 24 month बाद ही पैसा ले रहे हो, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड आपका 12 महीने का हो गया। तो अब आप जब ये रिन्यू करवाएंगे तो वो 12 महीने से ज्यादा का पीरियड होना चाहिए तभी एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ये इस पॉइंट का मीनिंग है 39 का, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों, एनी पर्सन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑन विच चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77 शैल डीम्ड टू बी हैव नोटिस। जब भी कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी लेता है जो ऑलरेडी चार्ज पर है, तो जब उसने प्रॉपर्टी एक्वायर किया उसी दिन से हम ये मान लेते हैं कि उसको चार्ज के बारे में पता है, तो उसको नोटिस कब से माना जाएगा, बट ऑब्वियस है द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन अपन मान लेते हैं, बच्चे लोगों अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड इन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटीज नोन एज, बच्चे लोगों क्या कहते हैं, हमारा चैप्टर ही चार्ज का है भाई, तो चार्ज के नाम से ही उसको हम जानेंगे, ध्यान में रखना है 42। बट ऑब्वियस है, मुझे लगता है चार्ज के क्वेश्चन अगर स्टार्ट हुए हैं तो ये क्वेश्चन अब आएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का इतना बड़ा क्वेश्चन दिख भी रहा है। अ चार्ज वॉज क्रिएटेड बाय द कंपनी ऑफिस प्रमाइसेस ऑन इट्स ऑफिस प्रमाइसेस टू सिक्योर अ लोन 1 crore का और अवेल फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन कमर्शियल बैंक का नाम आ गया थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द पार्टीज। ओके, बच्चे लोगों चार्ज क्रिएट किया है या एग्जीक्यूट किया है 16 February को, इनएडवेंटली द कंपनी कुड नॉट गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद द कंसर्न आरओसी। फर्स्ट जो स्टेच्यूटरी पीरियड हमारा 30 days का होता है उसमें ये नहीं करवा पाए और डिफॉल्ट उन्होंने बैंकर को भी पता दिया बराबर से, एंड द डिफॉल्ट वॉज मेड नोन टू इट बाय द लेंडिंग बैंकर। ओके, बैंकर लोगों ने बोला है कि भाई फटाफट से इसका आप रेक्टिफिकेशन कराओ, नहीं तो वो तो पैसा वापस मांग लेंगे। तो द लेटेस्ट डेट विद इन विच द कंपनी मस्ट रजिस्टर द चार्ज विद आरओसी ताकि उनका एडवर्म फीस भी नहीं लगे, तो बच्चे लोगों 30 days जाने के बाद 30 दिन में आपको करवाना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ, तो अभी आपके पास में 60 days का टाइमिंग यहां पे है जिसमें आप ये करवा सकते हैं, 60 दिन है बराबर। तो सवाल है कि 60 दिन में कहां से लू, फैब से ले लू, मार्च और अप्रैल, बट ऑब्वियस है, क्या कहते हो आप लोग, मुझे ये 60 days का कैलकुलेशन यहीं से करना पड़ेगा, आपको 60 days मिलेंगे डेट ऑफ क्रिएशन से आपको मिल जाएंगे। तो 16 February से अगर देखें तो मार्च और अप्रैल आने वाला है, अब अप्रैल का डेट कौन सा आएगा, बट ऑब्वियस फरवरी जो हमारा है वो रहेगा 28 का ही बराबर, तो ये डेट हमारी जो है वो आगे और जनरली एक कम होती है, तो अपन डायरेक्ट देखते हैं ना, तो 16 February की जगह पे 15 February होता है, लेकिन इधर 2 महीना कम, 15 April होता है लेकिन इधर 2 दिन कम है फरवरी 28 का, तो बट ऑब्वियस आंसर इज 17 April। बच्चे लोगों आप इसको चेक कर सकते हो बहुत आराम से, बिल्कुल आराम से चेक कर लीजिएगा कि 60 दिन का टाइम पीरियड आपका कब जाकर के पूरा होता है, तो डायरेक्टली पता लग ही रहा है वैसे तो 17 April को पूरा होता दिख रहा है आपने को, तो 17 April इज करेक्ट आंसर, 60 days के अंदर आपको ये क्रिएशन से ये रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास में करवा लेना चाहिए था, ठीक है, 8 April का ही रहेगा बट ऑब्वियस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड द पासिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, किसमें चाहिए, कंपनी का नेम चेंज एसआर पास करना है, आर्टिकल्स के लिए एसआर करना है, शेयर कैपिटल एसआर करना है,
डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी की ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है बच्चे लोगों, तो इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको चाहिए तो डिक्लेयर डिविडेंड, डी इज आर करेक्ट आंसर। 44 अ रेजोल्यूशन शैल बी ए स्पेशल रेजोल्यूशन जब वोट कास्ट इन फेवर अगेंस्ट के 3 times होता है बच्चे लोगों, अपने को पता है फेवरेबल वोट होते हैं 75 और अगेंस्ट में हम मानते हैं 25, तो रेशियो बनता है 3:1 का, यानी फेवर में पड़े वोट अगेंस्ट में वोट जो पड़े उसके 3 गुना के बराबर होना चाहिए, 3 times होना चाहिए, तो इसलिए 3:1 या 3 times इज आर करेक्ट आंसर। बराबर एवरी लिस्टेड कंपनी शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, हर एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर उसका कॉपी 121 वगैरह में आप पढ़ते हैं ना, आरओसी को देना होता है एजीएम का कॉपी, तो 30 days इज आर करेक्ट आंसर। चलिए 46 पे बचे लोगों, एजीएम शेल बी कॉल्ड बाय गिविंग 21 क्लियर डेज नोटिस, हाउएवर इट कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग शॉर्टर नोटिस, अगर मेंबर लोग तैयार हो जाए तो बच्चे लोगों कितने 95% ऑफ द मेंबर्स, क्या कहते हो डायरेक्ट प्रोविजन है पढ़ गया हो आप शॉर्टर नोटिस 101 वगैरह में आपने पढ़ा है, तो 95% ऑफ मेंबर सीधा सीधा सा आंसर है भाई, ये तो बिल्कुल ईजी। डिविडेंड अगर एक बार डिक्लेयर हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन से पेमेंट हो जाना चाहिए, डायरेक्ट पॉइंट है बच्चों, सबसे ज्यादा आप पढ़ते हो इसको 123, 124 सारे सेक्शन इसमें आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, 127 की भाई नहीं पे हुआ तो क्या पेनल्टी लगेगी 30 days। नेक्स्ट नंबर 48 बच्चे लोगों, आखिरी 3 questions आज के सेशन के हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट नीड टू बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, नीड नॉट टू बी क्रेडिटेड, कौन सा आईपीएफ में नहीं जाता है, सेक्शन 125 में आपको दे रखा है, तो अनपे डिविडेंड तो जाता ही जाता है, मैच्योर डिपॉजिट भी जाएंगे जाएंगे अगर पेमेंट नहीं हुआ तो, सेल ऑफ एसेट वाला कोई पॉइंट वहां पर नहीं बच्चों, यही आंसर है, मैच्योर डिबेंचर्स भी जाएंगे, सी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए 49 अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड देने से पहले रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, वैसा कोई प्रोविजन नहीं, पहले 10% हुआ करता था, अब कंपनी का चॉइस के ऊपर है, तो एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। नाउ नंबर 50 द ऑथोराइज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अवंतिका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लिमिटेड इज 50 lakh डिवाइडेड 5 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, एजीएम उन्होंने 24 September को बुलाया, द कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 2 rupees पर शेयर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो सेपरेट बैंक अकाउंट में बच्चे लोगों जिस दिन आपने एजीएम में डिक्लेयर किया वहां से 5 days में आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना है, याद रखिएगा 7 days नहीं है, 5 दिन में पैसा वहां डिपॉजिट करना है, 30 days पे पे करना है, फिर वहां से 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, ध्यान रखोगे बराबर, तो बहुत सीधा सीधा सा हो गया, तो 24 से 5 दिन बच्चे लोगों 29 September इज आर करेक्ट आंसर, तो ये ए नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी तो 100 में से बच्चे लोगों 50 क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोगों ने कवर कर लिए, पूरे 100 ले सकता हूं मैं, पर एक साथ इतना बड़ा आप लोगों के लिए देखना वीडियो जो है वो मुश्किल हो जाएगा, तो 2 parts में हम इसको कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा इसके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो होप सो कि बिल्कुल यूजफुल आप लोगों के लिए रहेगा, और मैंने बहुत फास्ट लेने का कोशिश किया है ताकि बहुत जल्दी से आप लोग इन सारी चीजों को एकदम धड़ाधड़ से रिपीट कर पाए। ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है सेकंड सेशन के अंदर, जल्दी से टेक केयर।